हेलो दोस्तों, मैं प्रसन्न, मैं चलो नहीं कहता हूँ, आपको स्वागत है। आप लोग तो थंबनेल देख लिए होंगे कि मैं अभी यूट्यूब को क्यूट कर रहा हूँ, यूट्यूब को छोड़ रहा हूँ। दरअसल सबके दिमाग में है कि क्यों यूट्यूब छोड़ रहे हो, तो आज मैं यूट्यूब में जितने दिन हुए काम करा उससे कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ आपसे। और अगर आप एक न्यू यूट्यूबर हो या नया यूट्यूब स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको जानना चाहिए कि यूट्यूब में क्या होता है, कितना मेहनत लगता है, कितना टाइम लगता है अर्निंग करने में, और कितना मेहनत लगता है, और क्या क्या होता है। दरअसल कुछ पॉइंट है, 3-4 पॉइंट है, जो कुछ पॉइंट तो यूट्यूब की तरफ से है, कुछ पॉइंट मेरी तरफ से, और कुछ पॉइंट पर्सनली है जो मैं यूट्यूब को क्विट करना चाहता हूँ, यूट्यूब को छोड़ना चाहता हूँ, वो सारे बात आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। बस आप वीडियो में बने रहिए, छोटा सा वीडियो होगा, क्योंकि मेरा यही कहना है कि अगर मैं कुछ मुझे प्रॉब्लम हुआ है या मुझे कुछ दिक्कत हुआ है यूट्यूब से, अगर मैं यूट्यूब छोड़ रहा हूँ, तो और कोई अगर नया यूट्यूबर आना चाहता है यहाँ पर, या कोई नया यूट्यूबर स्टार्ट करना चाहता है यूट्यूब को, तो उनको भी पता चले कि यूट्यूब में ऐसा कुछ होता है, या यूट्यूब में काम करना कितना मुश्किल है, कितना आसान है, कितना अर्निंग होता है, कितना दिन तक आपको मेहनत करना पर अर्निंग स्टार्ट होता है, तो ये सब जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप नया यूट्यूब पर आना चाहते हैं या नया नया यूट्यूब पर आए हैं। तो चलते हैं, पहला बात तो कोई भी यूट्यूब पे आता है नया तो उसको इतना जल्दी, जैसे बोलते हैं यूट्यूब में लाखों इनकम करते हैं, तो ऐसा नहीं कि आज यूट्यूब में वीडियो बनाने लगे, एक दो दिन बाद या एक महीने बाद या दो महीने बाद, तीन महीने बाद इनकम या अर्निंग होना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत मेहनत पड़ता है, मुझे तो पूरा एक साल लग गया था यूट्यूब में काम करने के बाद में अर्निंग स्टार्ट किया था, शायद एक साल हो गया था एक साल के बाद ही मुझे फर्स्ट पेमेंट आया था यूट्यूब में। तो मुझे पता है यूट्यूब में मैं एक साल तक कितना मेहनत किया हूँ, कितना टाइम दिया यूट्यूब को, वो मुझे पता है, बहुत मेहनत किया हूँ। 200-250 तक वीडियो में बना चुका था एक साल में, उसके बाद मेरा जो चैनल मोनेटाइज हुआ था और मुझे अर्निंग करना स्टार्ट हुआ था। तो अभी जो छोटे छोटे यूट्यूबर हैं उनके पास सब्सक्राइबर भी बहुत कम होते हैं, उनसे ऑडियंस भी बहुत कम होते हैं, मेरे पास 5,000 के आसपास ऑडियंस है, तो इतना मेहनत करके रोज़ वीडियो बनाते हैं मगर उसमें व्यू बहुत कम होता है। जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं उनके पास बहुत सारा ऑडियंस है, वो वीडियो बनाते हैं, उनके पास भर भर के ऑडियंस आते हैं, उनको वीडियो देखते हैं, काफ़ी सारा व्यू आता है, उनका अर्निंग अच्छा होता है। जब हम जो छोटे यूट्यूबर हैं या आप यूट्यूब स्टार्ट करना चाहते हैं या स्टार्ट किए हैं, या मैं मेरी बात बोल रहा हूँ, तो बहुत मुश्किल है यूट्यूब में काम करना, क्योंकि इतना मेहनत करके एक वीडियो में को बनाने में, एडिटिंग करने में, अपलोड करने में 2-2.5 घंटा लग जाता है, मगर व्यू बहुत कम आता है, चाहे किस तरह का वीडियो बना लो, बहुत मेहनत करने के बाद वीडियो बनाते हैं तो लगभग एक वीडियो में 200-300-400-500 तो व्यू आता है, कोई एक वीडियो मुश्किल से 40-50 वीडियो से एक वीडियो कोई वायरल होता है तो वो 3K 5K तक व्यू आ जाता है। तो इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद अगर व्यू नहीं आता तो कोई भी बनता हो वो डीमोटिवेशन हो जाएगा। तो ऐसा भी एक रीज़न होता है कि मेरा कि इतना ज़्यादा वीडियो बनाता हूँ मगर काफ़ी ज़्यादा व्यू अभी कम आ रहा है, तो इसलिए भी मैं डीमोटिवेशन हो चुका हूँ, मैं नहीं चाहता और यूट्यूब में काम करना है, यूट्यूब में वीडियो बनाना। अगर इतना मेहनत करने के बाद भी कोई हमारे वीडियो को देखने के लिए ना रहे तो वीडियो बनाने का फायदा ही नहीं है, वीडियो बनाने का कोई मतलब ही नहीं है, तो वो एक रीज़न है। दूसरा रीज़न है कि यूट्यूब जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं उनका वीडियो को काफ़ी ज़्यादा वायरल करता है, काफ़ी ज़्यादा लोगों पास इंप्रेशन भेजता है देखने के लिए। जो छोटे छोटे यूट्यूबर है उनका वीडियो इंप्रेशन बहुत कम आता है, अगर इंप्रेशन आएगा तो व्यू बढ़ेगा, इंप्रेशन ही कम आएगा तो व्यू कैसे बढ़ेगा। तो ये एक दिक्कत है यूट्यूब का कि वो छोटे छोटे यूट्यूबर को ज़्यादा चांस देना नहीं चाहता है या क्या, ये तो मुझे पता नहीं, मगर छोटे छोटे यूट्यूबर है उनके पास ऑडियंस नहीं है, तो पहले तो इतना मेहनत करते हैं, अगर उनका वीडियो वायरल भी काफ़ी कम होता है तो ऑडियंस इतना ज़्यादा नहीं आता है, तो यूट्यूबर का काम है जो छोटे छोटे यूट्यूबर है उनका वीडियो थोड़ा वायरल करे, उनका काफ़ी सारा इंप्रेशन भेजे दूसरे के मोबाइल में कि उनका वीडियो भी थोड़ा देखे, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करे या नहीं, तो ऐसा कुछ होता है। और जो आखिरी प्रॉब्लम है मेरा, कुछ पर्सनली प्रॉब्लम है, एक साल से ऊपर हो गया मुझे यूट्यूब में काम करते हुए, एक साल से ज़्यादा ही हो गया, तो आपको पता है कभी अकेला कोई चाहे वो यूट्यूब में वीडियो हो या कुछ काम हो अकेला बहुत मुश्किल होता है, तो मेरे पास कोई टीम नहीं है, मगर मुझे जो सपोर्ट करने वाले थे बहुत अच्छे अच्छे लोग मुझे सपोर्ट कर रहे थे कि वीडियो बनाओ या यूट्यूब पर डालो, मेहनत करो, मगर जो सपोर्ट करने वाला बंदे थे अभी वो मेरे साथ नहीं, तो एक ऐसा भी होता है कि डीमोटिवेशन होता है कि वीडियो बनाने में, कि अगर कोई रोज़ बोलता है कि चलो वीडियो बनाओ आप आएगा व्यू अच्छा कोशिश करो, अगर ऐसा भी कोई बोलने वाला नहीं है तो क्या वीडियो बनाएं क्या यूट्यूब पे डालें, तो ऐसा कुछ पर्सनली प्रॉब्लम है, तो मैं यूट्यूब छोड़ना चाहता हूँ। अगर कोई भी मेरा फ्रेंड हो जो मेरे चैनल में इतना दिन गया है सब्सक्राइब करके, तो अगर मुझे कुछ कहना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, मैं उनके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो रहता हूँ, मिलेंगे फिर कभी, अगर YouTube में आगे कभी काम किया तो ज़रूर मैं आपसे बात करूँगा,
तो मिलते हैं नेक्स्ट और कभी और कोई यूट्यूब चैनल पे या किसी भी चैनल पे मिल सकते हैं। अगर कुछ ज़्यादा कमेंट आया या जो भी सपोर्ट करने वाला बंदे थे फिर से सपोर्ट करने लग गए तो मैं ज़रूर नेक्स्ट टाइम वीडियो बना के आपके सामने आऊँगा। मिलते हैं और थोड़े दिन में या नहीं मिलेंगे बाद में आपको पता चलेगा।